ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਇਸ MH1 ਕੰਟੀਨੀ ਮੰਡੀਰ ਦੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में जिसका नाम है ऐसे मनाए रक्षाबंधन या फिर ऐसे मनाए राखी। और मैं हूँ मौलिका शर्मा। भाई बहन के अथाह प्रेम को व्यक्त करने वाला का त्यौहार श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। ज्योतिष के अनुसार इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा नहीं है। यही नहीं, इस बार करीब 11 घंटे तक राखी बांधने का मुहूर्त है। दरअसल ज्योतिष के मुताबिक इस बार भद्रा नक्षत्र सूर्योदय से पहले ही खत्म हो रही है, इसलिए राखी बांधने के समय भद्रा नहीं रहेगी। ज्योतिष के मुताबिक भद्रा में राखी नहीं बांधी जाती। इस बार बहनें शाम 5:12 तक राखी बांध सकती हैं। रक्षाबंधन से जुड़ी बहुत कथाएं भी हैं और इस रक्षाबंधन पर हमें क्या कुछ विशेष करना चाहिए जिससे ये प्रेम ताउम्र इसी तरह बना रहे, इससे जुड़ी तमाम जानकारियां हम लेंगे हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य वास्तु एक्सपर्ट टैरो कार्ड रीडर आचार्य विजया जी। तो चलिए आज फिर से शुभारंभ करेंगे कार्यक्रम का और आशीर्वाद लेंगे माँ का। बहुत बहुत स्वागत है मैम का। नमस्कार। चूंकि आज रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन जुड़ी बहुत सारी कथाएं भी हम आपसे सुनेंगे, बहुत सारी जानकारियां भी देंगे, लेकिन सबसे पहले आप हमें बताएं कि रक्षाबंधन क्या होता है। देखिए, रक्षाबंधन एक ऐसा त्यौहार है जो कि सिर्फ बहनों के लिए और भाइयों के लिए है। जीवन में बहुत से रिश्ते होते हैं, उसमें बहन एक ऐसा रिश्ता है जो कि बहुत अहम होता है। आज के दिन बहनें एक रक्षा सूत्र अपने भाई के हाथ में बांधती हैं ताकि अगले जन्म में भी उनको ये भाई बने और इनका जो भाई है ये अपना आगे जीवन में उन्नति करते जाएं और आगे बढ़ते जाएं और उनकी रक्षा करने का प्रण लेती हैं अपने भाई से। और भाइयों का ये कर्तव्य रहता है कि अपने बहनों की इस जन्म में ही नहीं अगले 7 जन्मों तक वो उनकी रक्षा करें। इसीलिए इसको इस रक्षा सूत्र जो माना जाता है, इसीलिए इसको रक्षाबंधन कहा जाता है। और ये आज से नहीं, पुराणों तक में इस त्योहार का और इस राखी बांधने का संदर्भ आते हैं, जो कि मैं इस कार्यक्रम में आपको आगे आगे बताती रहूंगी। जी, एक विशेष बात और जानेंगे, क्यों मनाया जाता है त्योहार, ये भी विस्तार पूर्वक आप हमें बताएंगे। जी, जो रक्षाबंधन का त्यौहार है ये श्रावण मास की पूर्णिमा को बनाया जाता है। और देखिए, इतने रिश्ते हैं आपकी ज़िंदगी में, पत्नी का रिश्ता है, बच्चों का रिश्ता, इसमें एक बहनों का रिश्ता जो कि एक बहुत ही सुंदर रिश्ता है, ये आगे जीवन में बढ़ता रहे। बहनों को, लड़कियां जो होती हैं उनको पीहर आने का मौका मिलता रहे, भाई उनकी रक्षा का संकल्प करते रहें कि पूरा जीवन मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा, भाई बहन का प्यार जीवन भर बना रहे। जब वो कुंवारे हैं तो तब भी बना रहे, जब लड़कियां विवाहित हो जाती हैं तब भी उनमें प्यार बना रहे और उनकी उनको लगे कि हमारा मैका है, हमारा भाई है। इसीलिए ये त्योहार मनाया जाता है। और जब भी कोई उन पर गाज गिरे या भगवान ना करे कभी कोई बुरा वक्त आए, इसीलिए वो रक्षा सूत्र बांधती है अपने भाई के हाथ पर कि जब भी उनको उनकी जरूरत हो तो उनका भाई दौड़ा चलाए। इसीलिए ये जो त्यौहार है ये मनाया जाता है। जी आचार्य जी, आपने हमें बताया कि जुड़ी कथा भी है, तो हम चाहेंगे उस कथा के विषय में भी आप हमें बताएं। जी देखिए, पौराणिक काल में और जो हमारे पुराण हैं उनमें एक कथा है कि एक बार क्या हुआ, एक राजा बाली हुए। उन्होंने बहुत ही शक्तिशाली ये राजा थे। इन्होंने क्या किया, अपने जो बल से पूरी धरती पर अपना साम्राज्य कर लिया। इसके बाद इन्होंने स्वर्ग पर अपना साम्राज्य करने लगे। सारे देवता भागकर विष्णु जी के पास गए। उन्होंने उनसे बोला कि ऐसा हो रहा है कि बाली जो हैं वो सारा हमारा जो स्वर्ग है उसको भी लेने वाले हैं, अब आप कुछ ऐसा उपाय करें, हमारी मदद करें। अब विष्णु जी के ऊपर पूरा भार आ गया। विष्णु जी ने क्या किया, एक वामन का भेष धरकर बाली के पास गए। बाली के जो गुरु थे वो शुक्राचार्य थे, वो पहचान गए थे कि ये विष्णु जी हैं, क्योंकि शुक्राचार्य जी बहुत विद्वान हैं और अभी भी हैं। तो उन्होंने बाली को इशारा भी किया, तब भी बाली ने उनको, जो क्योंकि वो यज्ञ से उठे थे, उन्हें ब्राह्मण को दान करना ही था, तब उन्होंने बोला, बोलो ब्राह्मण आप क्या चाहते हो। उस वक्त विष्णु जी एक वामन के रूप में थे, एक ब्राह्मण के रूप में थे। उन्होंने बोला कि मैं 3 पग धरती आपसे मांगता हूँ। उन्होंने 3 पग धरती जो है उनसे मांगी। 1 पग में उन्होंने पूरा जो पृथ्वी है उसको ले लिया, दूसरे पग में उन्होंने पूरा स्वर्ग ले लिया, तीसरा पग उन्होंने बोला कि मैं कहाँ रखूँ, तो
बाली ने बोला आप मेरे सर पे वो पग रख सकते हैं, तो उन्होंने उसके सर पे वो पग रखा था। इसके बाद विष्णु जी इतना प्रभावित हुए थे बाली से कि उन्होंने बोला अब मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तो बाली ने उन्हें बोला कि मैं ये चाहता हूँ कि आप हमेशा मेरे साथ रहें, आप मेरे द्वारपाल बन के रहें। अब विष्णु जी अपने वचन में बंध गए क्योंकि बाली ने अपना वचन पूरा किया था। विष्णु जी उसके साथ हमेशा रहने लगे और उधर जो स्वर्ग में लक्ष्मी जी को उनकी याद आने लगी, उन्होंने बोला अब मैं क्या करूं। तो लक्ष्मी जी ने बाली को अपना, उनको नारद जी ने सलाह दी थी वैसे कि आप ऐसा उपाय करें कि बाली को अपना भाई बना लें। तो लक्ष्मी जी ने बाली को अपना भाई बना लिया और उनको राखी बांधी। तो उन्होंने बोला देखिए रक्षाबंधन पे क्या बहन आपको राखी बांधती है, तो आप भी कुछ उपहार देते हैं बहन को, तो वो मैं आपको पूरा बताऊंगी कि राखी का त्यौहार कैसे मनाना है। तो इसमें क्या हुआ, जब लक्ष्मी जी ने राखी बांधी बाली को, तो उन्होंने बोला आपको क्या चाहिए, तो उन्होंने बोला मेरे को अपना पति चाहिए, मैं चाहती हूँ कि मेरे पति मेरे साथ रहें। तब से फिर उन्होंने विष्णु जी को जो उनका वचन था उससे मुक्त किया। और पुराणों में भी राखी का ये जो संदर्भ है आता है। इसके बाद एक और संदर्भ आया, द्वापर युग में आता है एक संदर्भ, एक कथा है कि जो श्री कृष्ण से लेकर है जी। इसमें श्री कृष्ण जो है उन्होंने शिशुपाल का जो वध किया उसमें उन्होंने सुदर्शन चक्र चलाया था, उससे उनकी जो उंगली है वो घायल हो गई। तो सारे लोग उनके लिए कुछ कपड़ा कुछ दवाई वगैरह लेने भागने लगे, तो द्रौपदी वहाँ थी, उन्होंने झट से अपना पल्लू में से कपड़ा फाड़ा और श्री कृष्ण के हाथ पे उंगली पे बांध दिया। उस कपड़े का उन्होंने मोल चुकाया, उन्होंने उसका जब उनका चीरहरण हुआ तो उनको कपड़ा देकर, और क्योंकि उन्होंने बहन माना उनको, और वो जो कपड़ा उन्होंने बांध दिया था उनके हाथ पर उसका कपड़ा उन्होंने इनका द्रौपदी जी का चीरहरण के समय उसको संकल्प को अपने पूरा किया। इसके बाद भी हम एक छोटी सी कथा बस इसमें दो चार शब्द और बोलना चाहूँगी कि हमारे मध्यकालीन युग में भी जब हिमायूं के पास राखी भेजी थी चित्तौड़ की महारानी कर्मावती ने, क्योंकि उनके पति नहीं थे उनके ऊपर हमले हो रहे थे, तो हिमायूं ने भी उस छोटी सी राखी का पूरा जो कर्ज निभाया था और उनकी मदद की थी। तो राखी का मतलब आपको, आपका भाई है, आपकी रक्षा करेगा। ये राखी को रक्षा सूत्र इसीलिए कहा जाता है कि इसमें वो वचन लेते हैं कि वो आपकी रक्षा करेंगे। तो विजय जी, इस बार रक्षाबंधन किस प्रकार मनाई जाए, क्या कुछ विशेष करना है, ये भी आप हमें बताएं। देखिए सौभाग्य से अब की बार ना तो कोई ग्रहण का दोष है, ना कोई भद्रा आ रही है, भद्रा भी राखी में सुबह ही खत्म हो जाएगी। साथ ही साथ पंचक का देखिए कोई प्रभाव नहीं होता है रक्षाबंधन पे, पंचक है मगर उसका कोई प्रभाव नहीं है राखी के दिन। तो बहुत सुंदर बात है कि सुबह 5:19 से लेके शाम के 5:26 तक 29 तक राखी का त्यौहार है, और आप उसके बाद भी राखी बांध सकते हैं। तो बहुत सुंदर दिन है बिना किसी वहम के। इस बार आप पूरे मन से पूरे अपने भाई बहन के इस त्यौहार को उल्लास के साथ, प्रभु ने ऐसा दिन दिया कि पूरे उल्लास के साथ आप इसको मनाएं। जो लोग पूर्णमासी करते हैं या पूर्णमासी की कथा करते हैं उनके लिए एक दिन पहले विष्णु जी की पूजा, सत्यनारायण जी की कथा, वो लोग 25 तारीख को शनिवार को कर सकते हैं। कि राखी मनाने के लिए 26 तारीख इतवार के दिन आप पूरे दिन सुबह से लेकर शाम तक आप मना सकते हैं। अगर आप चाहें थोड़ा वहम है तो आप राहु काल का जो समय है 4:00 से लेकर 7:00 तक उसको छोड़ दें, बाकी पूरे दिन आप राखी का त्यौहार को अच्छे से अपना इंजॉय करें जी। यदि कोई शुभ मुहूर्त भी है तो उसके विषय में भी बताएं आप जी। जो शुभ मुहूर्त है वो सुबह 9:00 से लेकर 12:00 तक है, उसके बाद 3:00 से लेकर 4:00 तक है, और उसके बाद 6:00 के बाद है मुहूर्त। आप उसके बाद शाम को भी राखी बांध सकते हैं, पर एक दिन पहले राखी ना बांधिएगा, उसमें थोड़ा भद्रा का प्रभाव है जी। क्योंकि हम ज्योतिष आचार्य के साथ बैठे हैं, विश्वविख्यात ज्योतिष आचार्य हैं आप, एक विशेष बात जानेंगे कि राशि के अकॉर्डिंगली कौन से व्यक्ति किस प्रकार रक्षाबंधन मनाए, किन विशेष बातों का ध्यान रखना है, ये आप हमें बताएं जी। देखिए राखी जो है, आप सबसे पहले ये देखें, आप जो राखी ले रहे हैं उसमें सबसे पहले भगवान की एक छोटी सी राखी ज़रूर लें, भगवान को उस राखी को अर्पित ज़रूर करें। इसके बाद जो आप राखी लें वो रेशम की लें, सोने की लें, चांदी की लें, सूती
भी लें मगर प्लास्टिक की राखी कभी ना लें अपने भाई के लिए। लाल, हरी, पीली कोई भी रंग लें, काला और नीले रंग की राखी कब, क्योंकि कई बार नहीं पता होता बच्चों को, तो इन रंगों का थोड़ा सा रखें। अगर राशि के अनुसार, अगर आपके भाई की राशि है मेष तो आप लाल रंग की राखी उसे बांधें, उसमें लाल स्टोन्स हों, लाल सितारे लगे हों, वो भी आप उसको बांध सकते हैं। अगर आपके भाई की राशि है वृष तो आप सफ़ेद सिल्वर कलर की राखी उसको बांधें, सिल्वर, पिंक, स्काई ब्लू, ये कलर्स आप उसके लिए ले सकते हैं। अगर आपके भाई की राशि है मिथुन तो आप उसके लिए हरे रंग की राखी बांधें, और अगर आपके भाई की राशि है कर्क तो आप मोती की अगर राखी उसके लिए बांधते हैं, और दूधिया रंग की राखी, अगर सिल्वर कलर की राखी, मोती जैसे रंग की राखी उसके लिए लेते हैं तो बहुत उत्तम रहेगा। अगर आपके भाई की राशि है सिंह तो आप उसके लिए लाल, अगर हो सके तो जो मौली होती है उस रंग की भी राखी आप उसके बांध सकते हैं, खाली मौली भी बांध सकते हैं, जिसमें मौली लगी हो वो राखी आप उसको बांधें। अगर आपके भाई की राशि है कन्या, आप उसको हरे रंग की राखी बांधें, अगर और उसको हरे रंग की मिठाई खिलाएं, अगर हो सके तो जैसे मूंग की दाल का हलवा होता है या हरे घिया पाक होता है, इस तरह की मिठाई। अगर आपके भाई की राशि है तुला तो आप उसको चमकीली राशि राखी, गुलाबी रंग की जिसपे सितारे लगे हों, आसमानी रंग की, सफ़ेद रंग की, चमकीले रंग की आप उसको बांध सकते हैं, मीठे में आप उसको सफ़ेद रंग की मिठाई खिलाएं। अगर आपके भाई की राशि है वृश्चिक तो आप उसको लाल रंग की राखी बांधें और साथ ही साथ लाल मिठाई खिलाएं, कुछ गुड़ उसके मुंह में अवश्य डालें तो बहुत उत्तम रहता है। और मन ही मन अगर आप हनुमान जी का जाप करेंगे तो बहुत अति उत्तम रहता है। अगर आपके भाई की राशि है धनु तो उसको आप पीले रंग की राखी बांधें, और जो आप तिलक है मैं बताऊंगी कैसे करना है, इसमें जो केसर की मात्रा है और हल्दी की मात्रा है वो आप ज़्यादा रखें अपने भाई के लिए। अगर आपके भाई की राखी है मकर तब भी आप उसको हल्के आसमानी और हल्की गुलाबी रंग की राखी बांधें। अगर आपके भाई की राशि है कुंभ तो आप अपने भाई को हल्के आसमानी रंग की राखी बांधें और उसको खाने में कुछ ऐसी मिठाई लेके जाएं जिसमें तिल भी हो। अगर आपके भाई की राशि है मीन तो आप उसको पीले रंग की राखी बांधें और केसर का तिलक और पीली मिठाई से उसका जो मुँह है उसमें ज़रूर मिठाई रखें तो बहुत ही उत्तम रहेगा। इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगी, आप कोई सी भी राखी बांधें मगर दिल से बांधें, इस त्यौहार को अब की बार ऐसा मनाएं कि जो भी गिले शिकवे इतने सालों के हैं और जो भी कोई गलतियां आपके भाई से या बहन से हुई है वो आप भूल जाएं। इस विशेष बात आप हमें और बताएं कि जो सुबह की जो थाली बनाई जाए भाइयों को प्रसन्न करने के लिए, उसमें क्या कुछ विशेष ऐसा डाला जाए जिससे भाई बहन के जो प्रेम का जो प्रतीक है वो सदा ऐसे ही बना रहे। जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि रक्षाबंधन हमें मनाना कैसा है। हमें पूरा दिन मिल रहा है आपकी बारी, सुबह नहाएं धोएं और आप नए कपड़े पहने, हो सके ये बहनों के लिए है, हो सके तो आप नए वस्त्र पहने आज के दिन, और जो शादीशुदा है पूरा श्रृंगार करें। एक छोटी सी राखी पहले आप प्रभु को ज़रूर रखें, फिर आप एक थाली बनाएं जिसमें एक लोटा हो, हल्दी हो, कुमकुम हो, अक्षत हो। अक्षत क्या है? साबुत चावल के दाने, जो टूटे हुए चावल नहीं होते हैं उन्हें अक्षत कहा जाता है। मिष्ठान रखें, जैसे आपके भाई के राशि अनुसार रख सकते हैं, जो आपकी श्रद्धा हो उसके अनुसार रख सकते हैं। और पुराणों में यह है कि आप खुद अपने हाथ से बनाएं, जो कि आजकल थोड़ा मुश्किल है। और कहा जाता है कि क्या मिठाई लेके जाएं, तो पहले के ज़माने में कहा जाता था घेवर आप लेके जाएं, क्योंकि देखिए मौसम का बदलाव होता है, वर्षा ऋतु जाने को है, हो जाती है, आखिरी दिन होता है श्रवण मास का, ये थोड़ी एनर्जी जो होती है वो शरीर में कम होने लगती है, इसीलिए घेवर इत्यादि ऐसी मिठाइयों का इसमें कहा जाता है आप इसका इसमें रखें, आप इसको रखें थाली में। पर क्योंकि आजकल चॉकलेट्स, कैडबरी ये चीज़ें आने लगी हैं, ये आप अगर देना चाहते हैं आप अलग से साइड में दे दें, वो आपकी इच्छा है, मगर आप अपनी थाली में कोई सफ़ेद रंग की मिठाई अवश्य रखें, या अपने भाई की जो राशि अनुसार मैंने मिठाई बताई है वो रखें उसके राशि के रंग के अनुसार। और जो भी और एक राखी रखें जो कि या तो सूती हो, या तो सूती मौली की हो, या फिर वो रेशमी राखी हो, या सोने की, चांदी की आप रख सकते हैं, ये चीज़ें आप रखें। एक मैं आपको इसमें बताना चाहूँगी कि आप जो भी थाली बनाएं, देखिए कई बहनों के भाई तो
हमारी जो सीमा है उस पर लड़ रहे होते हैं, उनसे दूर होते हैं, आजकल विदेशों में पढ़ने गए होते हैं, तो अगर वो अपनी राखी भेज भी रही हैं तब भी पहले थाली में रख कर उन राखी को, और पहले भगवान को उसमें से मीठा खिलाएं और उसके बाद वो राखी कहीं आप भेजें। और अगर आप अपने भाई के घर लेके जा रही हैं तो वहीं मंदिर में पहले भगवान को भोग लगाएं, और जिस आपने टुकड़े में से या जिस कटोरी में से भगवान को खिलाया है उसी में से अपने भाई को आप खिलाएंगी। और आप अपने भाई को एक आसन दें बैठने के लिए, आपका भाई को उस आसन पर बिठाएं, आप हो सके तो छोटा सा रुमाल लेके जाएं ताकि वो अपना सर ढक सके। आप भगवान की आरती करके फिर वही आरती अपने, देखिए आप रक्षा सूत्र बांध रही हैं। आज के दिन जो वाइब्रेशन होती है जो पूरे आभा मंडल में, वो आपके भाई के, जो अगर बहन दुआ मांगती है उसके भाई को वो लगती है। आप अपने भाई की अच्छा रहे, उसके बरकत हो, वो आगे बढ़े जीवन में, और आपकी रक्षा, वो रक्षा आपकी तभी कर सकेंगे ना जब वो खुद सक्षम होंगे। तो उसकी सक्षमता को बढ़ाने के लिए आप वो राखी बांध रही हैं ताकि वो आपकी रक्षा करें। तो आप उनकी आरती उतार कर फिर राखी बांधें, पहले तिलक लगाएं जिसमें कि केसर घुला हुआ हो या हल्दी हो, आप कुमकुम से मिला के पहले तिलक लगाएं, फिर आप उसके ऊपर अक्षत जो कि अखंडित हो वो लगाएं, मुंह मीठा कराएं, और उसके बाद आरती करें अपने भाई की कि कोई भी बुरी नज़र, कोई भी बुरा ग्रह आपके भाई का कुछ ना बिगाड़ पाए। आप मन ही मन कुछ ऐसा भी बोल सकती हैं, कोई आपका मंत्र हो, आपके परिवार में कोई प्रथा हो वो भी आप बोल सकती हैं। तो इस तरीके से अगर आप अपने भाई को राखी बांधेंगी तो देखिएगा जो वो भी इतने सक्षम रहेंगे कि आपको जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो आपकी मदद के लिए हमेशा खड़े मिलेंगे। आचार्य जी, रंगों का बहुत महत्व होता है जीवन में, तो इस दिन किस रंग के कपड़े धारण कर सकते हैं भाई या बहन, ये भी आप हमें बताएं। जी देखिए, कभी भी त्यौहार हो हमारे हिंदू समाज के, सिख समाज के, काले और नीले कपड़ों से आप बचें। काला और नीला कम पहनना चाहिए त्यौहार के दिन। आप लाल, पीला, हरा, जो आपको पसंद है वो रंग पहने, नए वस्त्र पहने, आप नए हो सके कुछ भी अगर पूरे नहीं पहन सकते छोटा पहने, मगर नहा धो के नव वस्त्र का इसमें उल्लेख है हमारे पुराणों में। और साथ ही साथ ये भी है, देखिए अब समय के अनुसार बीमारियां भी बढ़ती जा रही हैं, वरना इसमें उपवास रखा जाता था, जब तक कि राखी नहीं बांधी जाती थी तब तक भाई और बहन कुछ खाया नहीं करते थे। तो अब अगर आप उपवास नहीं रख सकते तो फलहार कर लीजिए, और अगर कोशिश करें, अगर आप उपवास करें, राखी सुबह सुबह बांध लें, आज पूरा दिन शुभ मुहूर्त है, आप उसमें राखी बांध लें और उपवास करें, नहा धो के नए वस्त्र पहन के इस त्यौहार को बहुत प्रेम से और बहुत उल्लास के साथ मनाएं इस बार। जी आचार्य जी, एक विशेष बात और जानेंगे, क्योंकि आपने चर्चा की थी काफ़ी सारे ऐसे भाई बहन हैं जो लंबे समय से मतभेद में हैं, गुस्से हैं, रुष्ट हैं, आपस में नाराजगी हैं, लंबे समय से राखी नहीं बांधी है, उनके लिए क्या कुछ विशेष उपाय हैं आप हमें बताएं। देखिए बहुत दुख की बात है अगर ऐसा है, इतना सुंदर रिश्ते में अगर इतना आपके दूरी है तो आप प्रभु को भाई बना के राखी बांध सकती हैं। जैसा भाई के साथ करना है वैसा ही प्रभु के साथ, और प्रभु की इच्छा होगी तो ज़रूर आप अपने भाई के जो पास हैं और अपने भाई की कलाई पे राखी बांधेंगी, सीधे हाथ पे आप राखी बांधेंगी अपने भाई के। और जिनके भाई विदेश में हैं या पढ़ाई कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, वो भी प्रभु के राखी उस दिन भी बांध सकती हैं। और हमारे तो प्रथा है कि अपने भाइयों को दो चार दिन पहले ही लिफाफे में थोड़ा सा अक्षत, हल्दी, आप कुमकुम सब कुछ डाल के उनको थोड़े से चीनी के दाने या थोड़ा सा गुड़ भी आप उसमें पैक करके भेज सकती हैं ताकि वो अपने बांध ले। उसको भाइयों को चाहिए अगर उनकी बहन का थोड़े दिन पहले भी आ गया तो अपनी राखी को मंदिर में रखें, बहुत पवित्र चीज़ है ये, ऐसा पवित्र रिश्ता है ये कि जिसका, जिससे बहन का भी उत्थान होता है और भाई का भी उत्थान होता है। इनका त्यौहारों का कोई मतलब है जो इतने पुराने काल से चले आ रहे हैं, तो आप इसको बहुत ध्यान पूर्वक उसको मंदिर में रखें और राखी के दिन खुद बांधें, किसी और से अपनी और भी जैसे बहन बना लेते हैं उनसे इस राखी को बंधवाएं जो भाई बहन दूर हैं,
पर मनमुटाव है तो उसको दूर करें। आप जाके तो देखिए अपने भाई के पास राखी के दिन, ऐसा कोई भाई नहीं होता जो अपनी कलाई आगे ना कर दे। यही दिन होता है अपने सब गिले शिकवे भाई बहनों के मिटाने का। जी, आपने हमें बहनों के संदर्भ में बहुत खूबसूरत बातें बताई, अब भाइयों के संदर्भ में आपसे जानना चाहेंगे वो उपहार स्वरूप क्या दें अपनी बहनों को, आप हमें बताएं। जी देखिए, भाइयों को बहनों को अवश्य कुछ ना कुछ देना चाहिए। पहले तो बात ये, आप अपनी बहन का जान लें उसको किस चीज़ की आवश्यकता है। आजकल तो मोबाइल फ़ोन देते हैं, ये देते हैं, पर हमारे जो शास्त्रों अनुसार तो आप पैसे दे सकते हैं, सिक्का दे सकते हैं, कपड़े दे सकते हैं, और उसको मिठाई का डिब्बा ज़रूर दे के विदा करें। अगर वो आपके घर मिठाई ले रहे, आप उससे दुगनी मिठाई और उसके ऊपर पैसा रखकर उसको अपने यथानुसार ज़रूर दें। कई बार क्या होता है, बहनें काफ़ी ज़्यादा संपन्न होती हैं, भाई इतना नहीं होता, पर जितना भी है अपना अपनी समर्थ अनुसार जरूर कुछ दे के बहन को विदा करना चाहिए। आज के दिन खाली हाथ रक्षा सूत्र नहीं बंधाया जाता। आप देखते हैं, आप पंडित से मौली भी बंधवाते हैं ना, तो मुट्ठी बंद करके बंधवाते हैं, तो राखी जैसा पवित्र एक जो एक धागा है, वो रक्षा सूत्र है, वो अपने हाथ पे आप खाली हाथ नहीं बनवा सकते। तो उसके अपनी श्रद्धा अनुसार जरूर उसे कपड़े और पैसे मिठाई जरूर दे के भेजें। जी आचार्य जी, काफ़ी सारे ऐसे भाई हैं, काफ़ी सारी ऐसी बहनें हैं जिनके भाई नहीं हैं, जिनकी बहनें नहीं हैं, वो क्या कुछ कर सकते हैं? आप भगवान को राखी बांध सकते हैं, आप मुंह बोले भाई बहन बना सकते हैं, अपने जो आपके चचेरे ममेरे उन भाइयों को बांध सकते हैं। ऐसा इसमें कुछ नहीं है, जो भी आपको लगता है कि आपकी रक्षा करते हैं बुरे वक्त में, आप उनको, अगर आप महिला हैं, लड़की हैं, तो आप उनको राखी बांध सकती हैं, और जो लड़के हैं जिनको लगता है ये मेरी बहन जैसी है, आप उनसे राखी बना सकते हैं। आप, मैंने तो आपको एक कथा भी सुनाई कि कैसे चित्तौड़ की रानी ने हिमायूं को राखी भेज दी थी, तो ताकि उसकी मदद सके। इसमें आप किसी को भी अगर अपना भाई या बहन स्वरूप मानते हैं तो उससे आप राखी बंधवा सकते हैं। जी चलते चलते एक विशेष उपाय भी आपसे जरूर जानेंगे जो हर भाई और बहन कर सकता है। जी एक उपाय, ये अगर बहनें करें, मैं एक लेकर आई हूँ बड़ा सुंदर उपाय, अगर बहनें अपने भाई के लिए करें ताकि वो संपन्न हो जाएं, उनकी तिजोरियाँ भर जाएं, अगर थोड़ी सी भी उनमें दरिद्रता आ रखी है, गरीबी आ रखी है, तो आप अपने भाई के लिए उपाय अवश्य करें। करना क्या है आपको, एक गुलाबी रंग का कपड़ा लेना है, आप एक रुमाल जितना भी उसको ले सकती हैं ताकि अपने भाई के हाथ में रख पाएं। इतना बड़ा आप एक रुमाल जितना कपड़ा गुलाबी रंग का लें, और एक सिक्का, चाहे चांदी का लें, चाहे आप एक कोई सिंपल सिक्का भी ले सकते हैं, एक सिक्का रखें, एक सुपारी रखें, थोड़े से अक्षत रखें अखंडित उसमें, और अपने भाई के हाथ में दे दें, और अपने भाई को कहें राखी बांधने के बाद इसको उठा के अपने गले में, अपनी तिजोरी में, कहीं भी जहाँ पर वो पैसे रखते हैं वहाँ पर रख दे। देखिएगा आपके जो भाई हैं वो बहुत ही संपन्न हो जाएंगे, क्योंकि ये जो दिन है इसमें आभा मंडल में मैं कह रही हूँ ना, वैसे ही बहनें तो हमेशा भाइयों के लिए दुआ करती हैं, आज के दिन चौगुना, पाँचवा और 10 गुना ज़्यादा हो जाता है। आप अगर अपने मन से अपने भाई को ये उसकी गोदी में देती हैं और प्रार्थना करते हैं दोनों मिलके कि आपका जो भाई है वो संपन्न होता चला जाए, तो पूरी कायनात, पूरी प्रकृति भी आपका साथ देगी, और आपका जो दुआएं हैं आज के दिन बहुत ज़्यादा, क्यों चुना गया श्रवण मास की पूर्णिमा को, क्योंकि इस दिन बहनों की दुआएं भाई को लगती हैं और भाई उनकी रक्षा के लिए खड़े होते हैं। तो आप देखिएगा, अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपके भाई के ऊपर संपन्नता और लक्ष्मी जी की जो कृपा है वो बनती चली जाएगी। अच्छा श्री, आज भी आपकी तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद करना चाहेंगे। आज के इस विशेष कार्यक्रम में आप हमें दें इजाज़त, हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।